हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज होमस्केप्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी वीडियो मेरे इस जैस्मिन फ्लावर से शुरू करती हूँ, जो देखो कितना प्यारा खिल रहा है। और मैं जब भी लाइव स्टार्ट करती हूँ तो मैं यहीं पे बैठती हूँ इस मेरे चमेली के पौधे की, मैं खुशबू लेती रहती हूँ और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए आज 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी जो मैंने शुरू की थी, यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, ज़ीरो से शुरुआत की थी, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं चैनल को मोनेटाइज होने तक के। तो दोस्तों, मुझे खुशी बहुत है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं उन बातों को भूल नहीं सकती। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपने वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मैंने इस चैनल को स्टार्ट करते वक्त महसूस किया, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, मैं कैसे यहाँ तक पहुँची और मैंने क्या क्या स्टेजेस पार किए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वो सारी जर्नी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आप लोग थोड़ा जाने मेरी बातों को कि यूट्यूब चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि बहुत ईजी है, बस वीडियो अपलोड करनी है, बनानी है, अपलोड करनी है, लेकिन इसमें इतनी मेहनत लगेगी मैंने कभी सोचा नहीं था इस चीज़ को। तो वही सब चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैंने क्या क्या फ़ेस किया, मैंने क्या क्या महसूस किया इस चैनल को रन करते हुए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए ये कितना प्यारा से खिल रहा है, मैंडेविला का फ्लावर है, बहुत प्यारा है ये, वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर है समर सीज़न का, मेरा फेवरेट फ्लावर आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये एवरलास्टिंग फ्लावर है, प्लांट है, पूरे साल रहता है, मरता नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी। मैंने ये चैनल शुरू किया था 19 अगस्त 2023 में, ये चैनल मैंने शुरू किया था। मेरे चैनल को स्टार्ट हुए पूरा 1 साल हो गया। और मैं मज़े की बात बताती हूँ, जिस समय मेरा ये चैनल पूरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, उसी दिन मैंने अपना चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मेरे को आ गया था उनका मेल कि आपका यू आर द पार्टनर ऑफ यूट्यूब करके आ गया था। तो मैं सुबह के 5 बजे से चेक कर रही थी कि उनका मेल आया कि नहीं आया, मेल आया कि नहीं। एक होता है ना बेचैन सा दिल होता रहता है कि क्या हुआ, कहीं रिजेक्ट ना हो गया हो हमारा ये जो मैंने अप्लाई किया है मोनेटाइज के लिए, कहीं कुछ ऑब्जेक्शन ना आ गया, तो वो चलती रहती खलबली मन में। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के चेक किया तो देखा नहीं, कोई उनका मेल नहीं आया। फिर देन 6 o'clock, फिर मैं सोचा कि डेली तो जो उनका जो WT का जो अपडेट होता है वो अराउंड 1-1:30 के बीच में उनका अपडेट करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद उसी समय उनका अपडेट आएगा, तो मैंने छोड़ दिया। तो 7 बजे मैं किचन में गई अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, मेरी बेटी स्कूल जाने के रेडी हो रही थी, मैंने कहा चल एक बार जस्ट चेक करते हैं। मैंने चेक किया तो मेरे को मेल आया हुआ था और उसमें आया हुआ था यू आर द पार्टनर ऑफ यूट्यूबर करके। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को कॉल की, फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल की, फिर मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बाय मैसेज मैंने बताया। तो ये थी मेरी जर्नी। तो मैंने शुरुआत कैसे की, मैंने शुरुआत की थी जीरो से। ये चैनल मैंने ऐसे ही, मतलब सोचा नहीं था कि मैं इस चैनल को इतना रन, इतना आगे तक लेकर जाऊंगी। ये मैंने खोल लिया, खोलने के बाद उसमें क्या क्या करते हैं, मैं यूट्यूब से वीडियोस देख देख कर मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा कि इस पहले तो आपको अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। तो वीडियोस का तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने शॉर्ट से शुरू किया। और जो मेरी पहला शॉर्ट था, मेरा जो पेट है लुका, सब जानते ही हैं मेरे फ्रेंड्स कि मेरे पेट को, तो उससे उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप मैंने डाली अपने चैनल पर, वो मेरा फर्स्ट शॉर्ट था। तो आप लोग देख सकते हैं, जाकर अगर आप देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो वो शो होगा, बड़ा क्यूट सा है, मेरा पेट बहुत छोटा था, तो मैंने उसकी एक वीडियो डाली, छोटी सी वीडियो थी, तो उसमें व्यूज़ आने शुरू हुए 20-30, मेरे को इतनी खुशी हुई ना। फिर वो 100 तक नहीं पहुंचा, मतलब 50-60 तक वहीं पर स्टॉप हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे एक एक शॉट डालने लगी। फिर 22 अगस्त को मैंने अपना पहला एक वीडियो डाला। वो वीडियो था कि मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, उसकी बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, 5-6 मिनट का वो क्लिप था, उसको डाला।
उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, फिर मैंने शॉर्ट्स डालने शुरू किए। तो मेरा जो पहला शॉर्ट था, मेरे पापा लोगों का शॉर्ट था, वो मैंने डाला, उसमें 100 अबव व्यूज़ आए। मेरे को इतनी खुशी हुई ना सॉरी, मेरी दीदी मुझे कॉल करके बोलती है कि नीलू तेरे शॉर्ट में इतने व्यूज़ आ गए हैं, देख देख। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे इस शॉर्ट में इतने व्यूज़ आ गए। फिर मैंने धीरे 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 उस चीज़ को करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई कि मुझे एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, कि कैसे एडिट करते हैं। अपलोड वगैरह तो चल जाता था, लेकिन एडिट कैसे करते हैं, मेरी बेटी को पता है वो कैसे एडिट करते हैं। तो मैं उसको मतलब रिक्वेस्ट करती थी, रिनी बताना ज़रा कैसे एडिट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। वो उसने पहले तो मुझे मतलब एडिट वगैरह करके दिया, शॉर्ट्स वगैरह एडिट करके दिया। मैं कुछ भी वीडियो बनाती थी, मैं उसको बोलती थी कि इसको एडिट करके दे, और लॉन्ग वीडियो के लिए तो टाइम लगता है थोड़ा सा करने के लिए। तो वो मेरे को बोलती, मम्मी आप सीख क्यों नहीं लेते हो, मेरे को मुझे सीखा। तो वो करके देती थी फटाफट, ऐसे 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 करती थी। मैंने कहा क्या किया, कहती मैंने कर दिया। मैंने कहा मुझे सिखाना, कहती जब मैं करती हूँ ना तो आप देख लिया करो ना कि मैं कैसे कर रही हूँ करके। फिर मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरा मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मेरे को एडिटिंग करना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कैसे होगा। एक शॉर्ट को मेरे को एडिट करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाते थे, और वीडियो की तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने इस जर्नी में अपने सर दर्द की दवाइयाँ इतनी खाई है ना, मेरा बहुत सर दर्द होना शुरू हो गया था। फिर एक टाइम ऐसा था कि व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे मेरे। तो मैंने सोचा कि छोड़ो इस चैनल को, मेरे को नहीं करना, बहुत हो गया, ये मेरे से नहीं होगा। पहले मैं बहुत सोचती थी कि ये बहुत इजी है, बस वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है, लेकिन इतनी मेहनत लगेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। सब लोग सोचते कि बहुत इजी है, यूट्यूब तो बहुत इजी है, फटाफट कर लो, हो गया बस काम खत्म, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियोस वायरल होंगी, उसमें व्यूज़ आएंगे। और धीरे 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 करके मैं करती करती गई, फिर जब 50 सब्सक्राइबर हुए आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मेरे को करीब 1 महीना लग गया था मेरे को अपने 50 सब्सक्राइबर बनाने में, अपने चैनल के बारे में सबको बताने के लिए कि मेरा चैनल है, ये है, वो है करके मैंने सबको करती थी। धीरे 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 मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए, मेरे को और खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों को मेरे शॉर्ट्स पसंद आ रहे हैं। बहुत मेहनत की उस चीज़ के लिए मैंने। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को लगा कि नहीं मुझे नहीं करना, ये मुझसे नहीं होगा। मैं फेडअप हो गई थी, क्योंकि मेरे को एडिटिंग ठीक से नहीं आ रही थी करनी, और ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, प्लस ना व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा बहुत हो गया, मैंने एक दिन तो फ़ोन उठा के साइड में रख दिया कि बस मुझे नहीं करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये अपना ये चैनल। तब मेरे मतलब काफ़ी हो गए थे सब्सक्राइबर, मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 1K क्रॉस हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं बस हो गया, मुझसे नहीं करना, फेडअप हो गई, क्योंकि मेरा सर दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो मुझे अब ये चैनल, मैं अपना ये चैनल किसी को दे दूंगी, अगर चाहिए तो दे दूंगी, अब मुझसे ये चीज़ नहीं होगा, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन इस चीज़ को मुझे मोटिवेट करने वाला पहला इंसान कौन था, वो मेरी बेटी थी। कहती मम्मी आपने इतना टाइम लगाया, आप इतने यहाँ तक पहुँचे हो, आप क्यों इस चीज़ को छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, करो आप, करो आप, मतलब रेस्ट ले लो, 1 दिन 2 दिन का गैप कर लो बेशक, लेकिन इसको कंटिन्यू करो और शॉर्ट्स डालते रहो डालते रहो, कभी ना कभी तो आगे बढ़ोगे ना। और अभी अगर आप अपने चैनल को किसी को दे दोगे, और उसका आप जब उसको दे दोगे, अगर बाय चांस उसके पास वो चैनल चला गया और उसने वो चैनल ग्रो अप कर लिया, तब क्या करोगे, आपको गिल्ट फील होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा हाँ होगा। कहती बस उस चीज़ को सोच के आप मत करो, आप करते रहो करते रहो। मेरी बेटी का मेरे चैनल को 0 से 2K तक लाने में, मोनेटाइज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसने मुझे डीमोटिवेट होने नहीं दिया। और मैं अपनी जर्नी की बताती हूँ, मैंने अपनी इस जर्नी में 3 केक काटे पहला था मेरा केक 1K का था, जब मेरा 1K हुआ बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। और सेकेंड केक था मेरी एक दिन लाइव वीडियो, जिसमें जी लाइव चल रही थी, वो मेरी वायरल हो गई,
उसमें इतने व्यूज आए, मैं हैरान हो गई क्या हो गया। मैं तो नॉर्मली अपने गार्डन में बैठ के काम कर रही थी, एकदम से लाइव मतलब चलने शुरू हो गए, काफी व्यूज आने शुरू हो गए थे, तो बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। वो सेकंड केक था, और थर्ड केक मैंने कल काटा, जो मेरी खुशी था मोनेटाइज चैनल का मोनेटाइज होने के लिए, प्लस मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजन्स, मेरा स्पेशल थैंक्स टू माय लुका, मेरा जान, मेरी जान बोल सकते हो आप लोग, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ वो था। तो उसके लिए और आप सबको थैंक्स करने के लिए मैंने वो कल केक काटा था। मेरी जर्नी ऐसी चली थी, और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और मैंने जीरो से शुरुआत करके मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने तक लेके आ पहुंची। लेकिन अभी तो असली स्ट्रगल शुरू हुआ है, अभी मुझे फोकस करना है अपनी वीडियोस पे, अपने शॉर्ट्स पे फोकस करना है कि मैं इस चैनल को और कितना आगे लेके जा सकूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट अभी भी बहुत ज़रूरत है, इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखना दोस्तों, और एक ना एक दिन आपका भी ज़रूर चैनल मोनेटाइज होगा, आप भी इसी तरह से वीडियोस बनाओगे। जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं डेली बातें करती हूँ, प्लीज़ निराश मत होना, और अपनी जर्नी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाओ, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। हाँ, कभी एक ऐसा स्टेज आता है कि आपको लगता है कि नहीं बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चीज़ अपने मन में थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन उस चीज़ को और हमें और आगे बढ़ाते जाना है कि करते जाना है। और मेरा चैनल ये था नीलूज होमस्केप्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आपका ये गार्डनिंग का चैनल है या कुकिंग का चैनल है। मैं कहती हूँ मेरा ये एक होमस्केप्स है, मैं अपने होम को कवर करती हूँ, जिसमें मैं कई तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कुकिंग की होती है, गार्डनिंग की होती है, मेरे पेट की एक्टिविटीज़ हैं, मैं अगर कुछ क्राफ्ट कर रही हूँ उसकी एक्टिविटीज़ हैं, अब मेरे घर में कोई अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ ओकेजन हो रहा है तो मैं उसको कवर करती हूँ। तो इस टाइप का चैनल है ये मेरा। तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने जीरो से शुरू की थी, और अभी चैनल को मोनेटाइज करने तक पहुंच गई हूँ, करा लिया, लेकिन अभी मेरा ये हाफ हुआ है, मेरे को अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना है, उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाई है, और उनको थैंक्स करने के लिए भी बनाई है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। और नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगली वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो चैनल को मोनेटाइज कराने तक आपके साथ मतलब रियल है या फिर फेक है, मिथ है या रियलिटी है, मैं उन बातों को शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने जब ये चैनल को मोनेटाइज करने की सोची ना, तो मुझे बहुत सारे दिमाग में ऐसे सवाल थे कि ये चीज़ है, कहीं मेरा चैनल डिसमोनेटाइज ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। मैं हर किसी से पूछती फिरती थी कि मतलब क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एल्गोरिदम है यूट्यूब के। तो जिनके चैनल मोनेटाइज हो चुके थे, मैं उनसे पूछती थी, और मैं उन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट भी करती थी कि प्लीज़ आप एक इस तरह का एक वीडियो बनाएं जो हमें हेल्पफुल हो। हम जैसे न्यू कमर्स हैं, जो छोटे चैनल वाले हैं जिन्होंने अभी अपना शुरू किया है, तो उनको पता नहीं होता कि हमें किन किन चीज़ों बातों का ध्यान रखकर अपने चैनल को आगे लेकर जाना है। हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर हमको अपने चैनल को कहां तक लेकर जाना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप इस तरह की एक वीडियो बनाएं जिसमें हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, उनको क्लियर करने के लिए कोई होता नहीं है, मैं बोलती थी उन लोगों को। तो मेरे दिमाग, मैंने ये सोचा कि जो चीज़ मैंने फेस की है, मैं लोगों से पूछती फिरती रहती थी, जो चीज़ मैंने फेस की है, क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस चैनल को, अपने चैनल को चलाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और किन किन बातों से हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, और कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो मिथ है, बस मतलब बोलते हैं ना एक अफवाह टाइप है, जो इसके मुँह से सुना, उसके मुँह से सुना, और हमने उस चीज़ को मान लिया। तो उन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि नीलू मुझे ये जानना है, प्लीज़ मुझे ये बताना, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं।
तो मैं उन सब बातों को भी क्लियर करूंगी आप लोगों के साथ, और जो जो मुझे पता है, जो जो मुझे नॉलेज है मोनेटाइज करने तक, क्या क्या आपको चीजों को बातों का ध्यान रखना है, मैं वो सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैंने अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी जर्नी यहाँ तक। मैं भी वेट करूंगी आप लोगों की जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग तरह की बातें, कुछ चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, और मेरे चैनल वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपने व्यूज अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, और जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।